नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। चक्रवात के बारे में हमने दो दिन से सुन रहे हैं कि चक्रवात पूरे देश में काठा विस्तार जो समुद्री एरिया है, तटीय क्षेत्र है, वहां पर उसका असर दिखाई देगा। इस बार हम खड़े हैं उमर गांव के, जो गुजरात का बॉर्डर लगता है, उसी क्षेत्र में खड़े हैं, जेटी विस्तार में। आइए पूछते हैं यहाँ के क्षेत्र में लोकल पब्लिक से कि वो इस चक्रवात के बारे में क्या कहने जाते हैं। आइए जानते हैं। तो वो जरा नाम बताओ, परिचय आगे तुम्हारा। आपको नाम बोल बारी तुम यहाँ ना छो चक्रवात ने शू असर चाहिए आ दरिया में। अरे तो अलर्ट है दरिया में, पण आगामी घणा कलाको में निकल जाए। मेरा तो बंद करना है सर।
उमरगांव के इस क्षेत्र को 80% खाली कर लिया गया है। हमारे साथ उमरगांव विस्तार के कॉर्पोरेटर मिलिंग जी उपस्थित है। आइए जानते हैं ये विस्तार कितना खाली किया गया और क्यों खाली करेगा, चक्रवात का असर यहाँ पे कितना होने वाला है, आइए पूरा विस्तार पूर्वक जानते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये विस्तार में कितने % लोग खाली हो चुके हैं और क्यों खाली कराया गया है और चक्रवात का क्या असर होगा यहाँ पे? 80% खाली कर दिया गया हुआ यहाँ पे और ऑलमोस्ट बाकी भी खाली हो जाएंगे जी। और कल जब पता चला कि चक्रवात का प्रॉब्लम है तो हमने उसके लिए पहले से ही फैसिलिटी करके रखी है। यहाँ पे नियर बाय में कन्या छाड़ा स्कूल और बारिया समाज हॉल है जी। वहाँ पे कोरोना की गाइडलाइंस के हिसाब से सारी उस फैसिलिटी को रखा गया है ताकि उसका भी ध्यान रखे कि वहाँ पे कोई संक्रमित ना हो और गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जाएगा। यहाँ पे इस विस्तार में कितने लोग परिवार होंगे फिर भी अंदाजित? नियर अबाउट 400 to 500 लोग है यहाँ पे, तो उन सबको वहाँ पे शिफ्ट किया गया, कन्याशाला में शिफ्ट किया गया। काफी लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं, काफी अलग अलग दूसरे एरिया में चले गए अपने रिश्तेदारों के जहाँ पे और बाकी स्कूल में। मौसम को देखते हुए क्या लग रहा है कि चक्रवात का भय डर कितना होगा आज इस क्षेत्र में, उमरगांव के क्षेत्र में? अपने लाइफ की सेफ्टी तो हर किसी को चाहिए जी। चक्रवात आए या ना आए पर सेफ्टी होना बहुत जरूरी है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कि पहले से प्रिकॉशन करके रखेंगे तो क्या है कि जान मौके पर एंड मौके पे किसी को यहाँ वहाँ दौड़ना नहीं पड़े, जान हानि ना हो जी। तो ये सब सोच के इस सुविधा को, और NDRF की टीम अभी फिलहाल बुलाने की आवश्यकता है लगता नहीं, पर वो लोग अभी आने वाले हैं तो अच्छा है कि वो भी एक सेफर साइड हो जाएगा जैसे वो आ जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया बात करी है मिलिंद जी ने कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कुछ हो उससे पहले ही सावधानी बरत लेनी चाहिए। ये जो उन्होंने वाक्य कहा है इसी से ये हम लोग जाहिर करते हैं कि यहाँ पे उमरगांव में जो खतरा फिलहाल मंडरा रहा है, अगर वो आया भी तो वो लोग पूर्ण तैयारी के साथ हैं। NDRF की टीम कुछ ही समय में पहुंचने ही वाली है। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य उमरगांव से, कैमरामैन पवन कुमार के साथ, धन्यवाद।